Hi guys, it's me Nelly High Power. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And मैं आज review करने जा रही हूँ सीसा के आयुर्वेदिक हेयर केयर जूस का, जो कि इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो सीसा का आयुर्वेदिक हेयर केयर जूस है, इसको मैं 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ और मेरे जो हेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए। तो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ रिव्यू वीडियो ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल जिनके जो बाल हैं ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, जल्दी टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक गई है, तो ये उन लोग के लिए बेस्ट जूस होने वाला है, स्पेशली हेयर केयर के लिए। क्योंकि हम हेयर के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ऑयल हो गया, बट हम अंदर से कुछ ऐसा ट्राई नहीं करते कि हम ऐसा कुछ जूस लें या फिर एलोवेरा का डायरेक्ट कंज्यूम करें या फिर हम इसके साथ आंवला यूज़ करें। तो हम अंदर से ट्राई नहीं करते अपने बाल को स्ट्रांग बनाने का, हमेशा बाहर से कि शाइनी रहे, स्ट्रांग रहे, अंदर से भी उतनी ही केयर करनी पड़ेगी जितना हम बाहर से करते हैं। तो उसके लिए मैं ये जूस आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, बेस्ट जूस है। पहले बात मैं आपको बता दूँ इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स है। इसके अंदर है आंवला, एलोवेरा जेल, साथ ही में एक और है जिसका नाम है दारू हरिद्रा एंड भृंगराज। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये बालों की हेयर केयर के लिए बेस्ट माने जाते हैं, आज से नहीं, पुराने ज़माने से हमारे दादा दादी सब लगाते हुए आए हैं, खाते हुए आए हैं। इन्होंने ही सिखाया हमें कि अगर हम आंवला को डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो हमारी आंखें तेज़ होंगी, बाल सही रहेंगे, हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे बड़े बूढ़े ही सिखाते हुए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ 5 रीज़न कि हमें ये जूस क्यों पीना चाहिए। पहली बात इसमें है आंवला, एलोवेरा और सॉरी वो जो नाम है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दारू हैदरा और भृंगराज, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को अच्छा बनाते हैं। आंवला जो है वो आपके हेयर फॉल को रोकता है, अगर आपको ग्रे हेयर्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, आपके बालों को शाइन देता है। साथ ही में एलोवेरा जो है वो आपकी स्कल्प को नरिश करता है, आपके बालों को नरिशमेंट देता है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। अगर आप आंवला को ना सॉरी एलोवेरा को अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करें ना, तो आपको अगर एसिडिटी की इश्यू है ना वो भी आपका ख़त्म हो जाएगी। भृंगराज अगर आपके बालों की जो ग्रोथ है वो रुक गई है तो उसको बूस्ट करता है आपके बालों की ग्रोथ को। साथ ही में जो दारू हैदरा है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है, और अगर आपका ब्लड प्योरीफाई रहेगा, अगर आपका ब्लड सही रहेगा तो आपका शरीर, आपकी हर चीज़ अच्छे से फंक्शन करेगी। तो इंटरनली अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपने शरीर में डालने पड़ेंगे जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो इंटरनली अच्छे से काम करे और हम एक्सटर्नली काफ़ी अच्छे दिखें, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इसको लेना कैसे है। इसको 30 ml लेना है दिन में 2 बार, एक बार भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू गाइस, बट 2 बार लेंगे तो अच्छे रिजल्ट में देखने के लिए मिलेंगे। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। और ये जो सीसा जो ब्रांड्स है फ्रेंड, ये मार्केट में ना 25 सालों से है, और इसका मैं आपको बता दूँ इसका ऑयल भी आता है जो कि काफ़ी अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो जूस है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ये। और मैं आपको ये भी बता दूँ ये लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है और इसमें एज सच कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई शुगर नहीं है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या क्या मात्रा में क्या क्या चीज़ डाली हुई है, तो फैट तो बिल्कुल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ें हैं विटामिन ए सी कैल्शियम आयरन वो और प्रोटीन कितना कितनी मात्रा में वो लिखा हुआ है। ये बॉटल आपको अमेजोन पे 400 कुछ की पड़ जाएगी और इसकी MRP जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है 545, ठीक है। तो ये मैंने 2 बॉटल ली थी, एक मेरे घर पे है और एक मैं अभी स्टूडियो में लेके आई हूँ रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बॉटल है ये आपकी 1 से 1.5 महीने आराम से चलेगी, और अगर आप इसे दिन में 2 बार यूज़ करते हो तो 45 दिन आराम से चलेगी, अगर एक बार लगाते हो तो 2 महीने से ज़्यादा, एक बार पीते हो तो 2 महीने से ज़्यादा चल जाएगी आपकी। ये जो जूस है ग्लूटेन फ्री है, वेगन है, लैब टेस्टेड है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो इसका प्रॉपर जूस है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वेरीफाइड बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, तो आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। और इस पर लिखा भी हुआ है कि इसको कैसे कंज्यूम करना है, बट मैं तो सही बताऊँ तो मैं ऐसे ही पी रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कैसे पीना भी है। तो आपको इसको ऐसे, ये जो कैप है इसमें लिखा हुआ है 30 ml तक मैं इसे डालूँगी,
उसके बाद मैं कंज्यूम करूंगी। 30 ml फुल इसको प्रॉपर पूरा भर देना है ऊपर तक और इसको पी लेना है। हल्का सा जो टेस्ट है वो खट्टा है, हल्का सा कड़वा है, ज्यादा कड़वा नहीं। जब आम जैसे हम आंवला खाते हैं ना, तो वो जो टेस्ट आता है ना आंवला खाने के बाद, वही सेम टेस्ट इस जूस के अंदर है। ठीक है, तो ये जूस अगर आप लोगों ने नहीं पिया अभी तक, इसे घर पे लब मंगाइए और पी के देखिए, और इसके रिजल्ट 15 से 20 डेज में आपको मिलेंगे। बट आप इसे ट्राई कीजिए, और जब आप इसे अगर आपने मंगा लिया है ना और आप इसे ट्राई कर रहे हैं, तो अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो जेन्युइन रिव्यू है, वो मेरे वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये मेरा जो जेन्युइन रिव्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए, अपना ओपिनियन मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों का ओपिनियन इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है। मेरा जो ओपिनियन है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस।